हर एक वस्तु चाहे खाद्य पदार्थ हो या निवास हो या कोई भी चीज हो, दुनिया की हर एक चीज़ जो कि भोग विलास का सामान हो या खाने पीने की पदार्थ हो, कुछ भी, सबका एक अपना महत्व होता है, एक अपनी रुतवा होती है, उसको अपने ही नाम से जाना जाता है। तो उसमें से ही एक बैगन है जिसे हम लोग व्रत त्यौहार में तो नहीं खाते हैं क्योंकि उसको व्रत त्यौहार में खाने का मान सम्मान नहीं मिला है। तो मैं आज बैगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं सारिका द सेकंड वाइफ लजीज खाना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए ये दालचीनी है और बड़ी इलायची को मैं चीरे लगा करके इसमें डाल रही हूँ। फ्राई पैन मेरा गरम है, बिल्कुल नॉन स्टिक है। और ये लौंग है, ये जावित्री, ये छोटी इलायची है, इसको भी थोड़ा सा चीरा मार करके ही डालूंगी क्योंकि चीरा मारने से ये थोड़ा जो सोटे करेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। ये काली मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, सूखा लाल मिर्च और ये थोड़ा सा सौंफ, ये रहा कसूरी मेथी। तो सबको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको सबको फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसमें से जब खुशबू आना शुरू हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से जब इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो उस स्टेज पे हम बंद कर देंगे। और इसमें तो तेज़पत्ता, दो तेज़पत्ता भी इसी में रख करके फ्राई कर लेंगे ताकि ये करारे हो जाएंगे तो पीसने में बहुत ही अच्छा होगा और जल्दी से पीस जाएगा। इस तरीके से आप इसको ढेर सारा यानी कि अधिक मात्रा में बना करके और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप रख सकते हैं पीस करके पाउडर बना करके। तो देखिए फ्राई पैन में मैं तेल गरम कर ली, उसको निकाल करके पाउडर बनाने के लिए ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं तेल में इसे फ्राई कर लेती हूँ। देख सकते हैं मैं इस तरीके का गोल शेप में राउंड राउंड ये चक्री की तरह कट करके और इसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें तेल और डाल देती हूँ, देख सकते हैं तेल मैं कम डाली थी पहले क्योंकि इसको डीपली फ्राई करना है। बैगन ऐसे तेल बिल्कुल नहीं लेता है, कम तेल में ही ये फ्राई हो जाता है। आप जब भी मसालेदार या इसका फ्राइड कुछ भी बनाएं तो देखेंगे उसमें आप ज़रा सा भी तेल रखेंगे फिर भी ये अधिक तेल रिलीज करने लगता है। तो देख सकते हैं दोनों साइड में टर्न करके और गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है और बना करके ज़रूर कमेंट कीजिए प्लीज़। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं और ना बताते हैं आप लोग कि आप लोगों को और क्या रेसिपी अच्छा लगता है जो कि मैं आप लोगों के लिए बना करके रेडी करूं। तो आप लोग मुझे प्रोत्साहन दीजिए और आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए आप लोग क्या खाना चाहते हैं जो कि मैं बना करके आप लोगों के सामने रखूँ। तो देख सकते हैं मैं आलू को भी इसी तरीके से कट कर ली हूँ, बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सा, और इसको भी फ्राई करके निकाल लूँगी दोनों साइड इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। बैंगन की सब्ज़ी तो काफ़ी सारे तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन मैं ये अलग तरीके से बना रही हूँ। देखिए एक मूली है, मूली को भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो निकाल लूँगी। तो देखिए इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसमें से निकाल करके फिर चलिए कढ़ाई में मैं तेल गरम कर रखी हूँ और जीरा डाल करके बिल्कुल इसको तड़क जाने तक इंतज़ार करूँगी। जब ये चटक जाएगा तो इसमें हरी मिर्च डालूँगी। देख सकते हैं बहुत ही बेहतर ये सब्ज़ी होता है। आप लोग इसको एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतर होता है। और प्याज डालूंगी इसमें और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ही रखना है, इसे सॉफ्ट ही रखना है, इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें मसाले डाल करके फिर फ्राई करूंगी। तो देखते रहिए मेरे रेसिपी को पूरे अंत तक, देखिए आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कैसी सब्ज़ी होने वाली है। देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो रहा है। तो चलिए मसाला डालते हैं इसमें। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और काली मिर्च और जीरा पाउडर है। इसको डाल करके और फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि ये सूखा है, मैं पेस्ट नहीं बनाई हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ही फ्राई करूंगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, क्योंकि इसका कच्चापन नहीं रहे, सब्ज़ी टेस्टी होना चाहिए। क्योंकि अगर मसाला फ्राई नहीं होगा तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो ये सरसों का मैं सिलबट्टे पर पीस करके एक चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ। ये सरसों का पेस्ट है,
इसमें सरसों भी डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग बनाइए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्जी लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत ही बेहतर होता है, मैं हमेशा बनाती हूँ। इसको देखिए पानी डाल करके थोड़ा सा मिला ले रही हूँ, देख सकते हैं ऐसे। ये रोटी के साथ बहुत ही शानदार लगता है और चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। नमक स्वाद के अनुसार ही डालें, बैंगन में नमक कम लगता है। तो इसको फ्राई कर लेंगे और सरसों की पेस्ट डाली हूँ, तो सरसों का पेस्ट है तो इसको फ्राई बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। जब इसमें तेल देखिए रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये फ्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज पे मैं टमाटर डाली हूँ, तो टमाटर को रफली चॉप की हूँ, इसको पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे ही चॉप करके बारीक बारीक, और इसको ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पका रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हो गया है, मसाले फ्राई हो चुके हैं। तो टमाटर को थोड़ा सा गलने के लिए, यानी कि वो थोड़ा सा पिघल जाए और मॉइस्चर छोड़े, सब्जी में रिलीज हो रहा है ये पानी और तेल दोनों, देख सकते हैं घुल मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज करती हूँ और इसको फ्राई करते हुए, और इसमें जो फ्राई करके पहले से मैं रखी हुई हूँ सब्जी, इसमें डाल करके तब फ्राई करूँगी। फिर इस टोटल मसाले फ्राई हो चुके हैं, तो देखिए इस स्टेज पे मैं मसाले में ही डाल दूँगी सारे को, और नीचे से ऊपर सारे को मसाले को मिलाते हुए, देख सकते हैं इस तरीके से मिलाऊँगी ताकि मसाले सब्जी में सब घुल मिल जाए। अभी इसमें पानी भी डालूंगी लेकिन पहले मसाले को मिला लूं, देख सकते हैं ऐसे, और देखिए कितने प्यारा दिख रहा है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जो रेसिपी बनाऊँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और अपनी राय द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर ज़रूर शेयर करें। अब पानी डालती हूँ, देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि इसमें ग्रेवी बिल्कुल कम रखना है। तो उस अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं थोड़ा रखी हूँ तो आप लोग भी थोड़ा ही रखें। आप लोग अगर पतला ग्रेवी लेना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, इसको 2-4 मिनट के लिए पकाऊंगी और जब ये पक जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। देखते हैं, चलिए इसको तोड़ करके दिखाती हूँ क्योंकि ये फ्राई हो चुका है, देखिए बिल्कुल आराम से टूट जा रहा है। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक करके पकाएंगे और फिर चेक करके बताती हूँ। देखिए अब इसको जब नीचे से ऊपर इसको जब मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा। जो मैं ड्राई मसाला को रखी थी उसको पीस करके इसमें डाली हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार इस सब्जी में जान ला देता है। तो देखिए मैं धनिया के पत्ते से भी गार्निश की और इसको मिला लूँगी, देख सकते हैं। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ, मेरे घर में बहुत ही उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं लोग इसको खाने के बाद में। तो देखिए मैं इस स्टेज पे गैस को बंद करती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको सेट होने दूंगी और फिर मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं क्या इसका ग्रेवी और क्या इसकी सब्जी बहुत ही शानदार लाजवाब लग रही है। तो ऐसे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। एक बार तो आप लोगों को बनता है बनाना, आप लोग बनाइए और खा करके ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। तो ऐसे रेसिपी देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।